मौसी जी, आज बहुत दिन बाद ही घर में मछली आई है। आपके नाती नतनी दोनों खुश हो गई हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है। बाकी हम लोग के कजरे के बारे में भी सोचे के चाही। हम लोग के सिवा ओकर के हुबी नहीं खे। हम लोग ओकरा संगे हई। ये सोच के ओकरा कितना तसल्ली मिलत होई। ठीक ठीक कहली आप मौसी जी। सच में आप तो सभे के बारे में सोचे ली और सभे के संगे लेके चल सकेली। आरती, सब्जी जल्दी जल्दी काट लो, हम मछली बनावे के बाद सब्जी बनाई। एह तरह जदी सब रह पाईती तो मौसी जी, आज बनारस से लौटला के बाद कितना दिन पर आपके घर में नॉनवेज बन रहल है? हाँ, वैशाली के श्राद्ध हो चुका था। तू लोग कितना बार बतावला के बाद भी तू लोग ना आईला। हमके माफ कर दी ही मौसी जी, गलती हो गई। असल में हमार बहिन के ना तबियत थोड़ा अच्छा ना रहे, यही से रात के दिन भी ना आ पहलू तू। ना मौसी जी, हमका कहत रही आपसे हमके एगो जरूरी बात करे के हा। जरूरी बात? का बात है बोलो। ना मतलब ई बात तनी आपसे अकेले में कहब तो अच्छा हुई। ऐसन का बात हमाया? इतना लुका छुपा के बात करे तारू? आरती, हम लोग के 2 मिनट खातिर अकेले में बात करे दे ना, हमारा और मौसी जी के एगो प्राइवेट बात है। ना ना, बहुत सारा काम पड़ल है, आरती की वहाँ जरूरत है। देखी, कुछ गलत मत समझी, हम श्राद्ध के दिन भी आ सकत रही। बाकी आप जे तरह से केहू के भी अपना बना ले बेली और ऊ जदी ई घर में आग लगावल चाहे तो ऊ हम सहन न कर सकेली। तो हर मतलब? सच कह रहल है मौसी जी, ऊ कजरी कजरी आर्यन और आरजू के संगे गंदा खेल खेल रहल है। देखी मौसी जी, एगो जवान लड़की और दूगो जवान लड़का, कुछ भी हो सकेला मौसी जी। ये सब तो का कहता रुमाया जी? हम जानत रही आपके विश्वास ना हुई। थोड़ी का सा आँख कान खुला रखब तो आपके सब कुछ पता चल जाई और समझ भी जाई। यही से कहत रही कि अपन आँख से जे हम देख ले हैं, हम साफ कहत हैं, बात फैले में मौसी जी ज्यादा समय ना लागेला। सबसे इंटरेस्टिंग जेकर तस्वीर खींचल चाहत रहे वो तो हमके मना कर दे ले। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले, एक ऐसे गगन के। अरे तू हमार गाना के मजाक उड़ाओत हो, हम गा रहल हई तू हंसत हो। अच्छा मामा, तू हमेशा ऐसे इतना खुश कैसे रहेला? तुहार मन में कभी दुख ना होला? ना होला। बाकी अब हो खब, मतलब अगला 15 मिनट में हो जाई जदि तू तैयार ना भेलू ता। मतलब जल्दी तैयार हो जा, हम लोग के निकले के हा। कहवा? यमराज के पास। हमार मतलब है हम लोग जा रहे हैं ममता के डांस स्कूल देखे, बहुत मजा आई। तैयार हो जा तो के ठीक, हम 15 मिनट के टाइम दे रहे हैं। ओके, गेट रेडी। ठीक है। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं। अरे छोड़ो ना, छोड़ो ना, बंदर आई। छोड़ो, का भइल है? बोला ना, का भइल? बोला का भइल? जरूरी बात है। कैसन बात है? जानत हो एगो काम खातिर गइल रही, चार चार बार फोन करके बुलावला रहे। रह दे अपन जरूरी काम, अब आप रिटायर हो चुका लहिं, अब आपके कौन सा जरूरी काम है? कौन जरूरी काम नहीं खे? का बेकार के बात करत हो, जरूरी काम नहीं खे? अकाउंटेंट मैनेजर के पास गई रही, ई बात अभी छोड़ा। जे कहे के हा साफ साफ का भाई बोला, का भाई बोला ना। अरे का बताई हम? अच्छा आप ही बताई, हमार का कसूर है?
हम कुछ गलत कहले हई का? का कहत रहो तू, कैसन गलती? हम आज सुले हमार तो नींद उड़ गई ला। देखा सरोज, जदि तू साफ साफ ना बताइबू तो हमार कपार एकदम गरम हो जाए। बोलो का बात? अरे का भाई, बोलो ना। माया मतलब माया कहत रही कि? माया का कहत रही? माया कहत रही कि कजरी के संगे आर्यन अर्ज मतलब दोनों के संगे ओकर शायद कोनो कजरी। सरोज देखी ये बात सुन के हम तो देखा सरोज, एक मिनट। माया अचानक तुमके ये सब काहे बतावे लगली? अगर कोनो खास मतलब रहेगा? ये तो हम नहीं के जानत, पर हो सकेला वो कुछ देख ले होके। सरोज यू तो हो सकेला कि माया के कोनो खास उद्देश्य होगे एकरा पीछे। उद्देश्य के का वजह हो सकेला? वजह कहा ये तो हमके पता नहीं खे, ऐसे बता ना पाए तो के। बाकी कजरी के हम जहां तक ले समझ पौले हैं, हम दावा के साथ कह सकते हैं कि वो एगो अच्छा लड़की भी है। कोनो गलत कदम वो कब्बो ना उठाई सरोज। हमके भी ऐसा नहीं लागेला। और आर्यन और आरजू दोनों अच्छा लड़का बाड़न। वो दोनों लड़का ऐसन कुछ भी ना करी है जिकरा से हम लोग के माथा झुक जाए। ऐसन कुछ भी ना करी है ना? बोला सच में? तू भी एगो मामूली बात खातिर हमरा के घबरा के चार चार बार फोन कर देलू। ना ऐसन बात नहीं खे, असल में इतना लंबा समय तक आपके संगे बात कहले बिना हम बेचैनी महसूस करेली। एकरा अलावा अड़ोस पड़ोस की बात के भी तो अनदेखा ना कर जा सकेला। मतलब कजरी के हम नजदीक से देख रहा नहीं। वो अच्छी है, पारिवारिक है, फिर भी ओकरा पर नजर रखे में का बुराई है? बुराई के फैसला तुमके करे के हा सरोज। बाकी एक वो बात बिल्कुल समझ ला, कजरी के दादी के मौत से पहले तू उनका के वचन देख ले रहू कि कजरी के तू सीने से लगा के रखू। फिर यदि कजरी से तुहार विश्वास ही उठ जाई तो ये गलत होई कि सही ये फैसला तुमके करे के पड़ी। समझ ला मेघनाथ, विश्वास और अविश्वास इदुनो एक ही अदृश्य धागा में पिरोइल एगो धारणा है। यदि इस संसार में केहू मतलब एगो इंसान एकरा के अपन हाथ के मुट्ठी में बांधल चाही तब तक खतरा के साया ओकरा पर पड़ल निश्चित है। जायदम, कल तू कितना बजे जेबे वहां से? सोचा था 10:30 बजे के ट्रेन पकड़ी। और हाँ, 7 दिन के अंदर फोटो के प्रिंट करके आपके वहां भेज दे। आपका अक्सर ही माइल जाल करेली? का बोले तारू तू? अरे मेघनाथ तो हमारे आश्रम के एगो सदस्य है। आप यहाँ पर हमेशा अकेले ही आवेली? हाँ अकेले ही आईला। बाकी ये बार तो हो सकेला के हुआ और के संगे ले आई। अच्छा तू लोग बात करा, हम चलत हैं। जानल ना चाहब हम केकरा ले आवल चाहत हैं? इता आपके निजी मामला है और केहू के निजी मामला में हम दखल ना देला। दखल नहीं देते ही से
शायद आप इस तरह से सब कुछ छोड़ के चलाइल रही। ठाकुर परिवार के हम नजदीक से जाने लें, अपन लोग के दूर हो जाए से वो लोग सुखी नहीं खन, खास करके आरजू और नीलू, वो दोनों अकेला हो गई बड़न। एगो अनुरोध है आपसे, कृपा करके वो लोग के यहाँ पर कब्बो मत लाइब। आप हम के एगो कलाकार कहत रही ना, फिर एगो कलाकार होके के नाते कहा हम ऐसा कोनो घटिया काम कर सकत हैं? हम वो दोनों के ना आर्यन के बात करत हैं। घबराई मत, आप एकदम निश्चिंत रही, आपके प्रॉब्लम देवे खातिर ठाकुर परिवार के केहू के भी वहां ना लाई। बाकी आपके भी एगो वादा करे के हुई, आपके खुद ही वो सब के बीच में जाए के पड़ी, जाए के ही पड़ी। हाँ जानत है, लौटेगे तो हमके पड़ी ही, बाकी होकर पहले तूफान आ सकेला। जब तक तूफान ठहर न जाए हम शायद लौट ना पाए। ना लौट पाए, तूफान आई लौटे के था, लौटे के तो पड़ भी करी ईश्वर। ओम नमः शिवाय, ममता दीदी आज तुहार जन्मदिन है और देखो हम तुमके कुछ ना दे पाऊली। ओह प्लीज ईसा फॉर्मेलिटी मत कैल करा, ओके इट्स ओके। हमार बात छोड़ा, का खाए के है से बोला। हाँ खाए के तो है, बाकी थोड़ी का देर बाद, ओकरा से पहले गर्मा गर्म कॉफी हो जाए, का बोलो तो? आप एक्सक्यूज मी, आप वेटर तीन गो कॉफी। ओके सर। हाँ तो कजरी प्रोग्राम कैसन लागल तू तब बताइबे ना कहलू। बहुत अच्छा सचमुच ममता दीदी, तुहार डांस देख के तो हम तोहरा पर फिदा हो गई। थैंक यू सो मच। और हमारे स्टूडेंट सब उ लोग कैसन रहे? वो सब भी अच्छा गईलन, तू बहुत अच्छा ट्रेनिंग देले हो। थैंक यू। पटना आइला के बाद तू पहला बार घूमे निकल हो है ना? हाँ ठीक कहलू, हमेशा ही या तो किचन में रहली या फिर गुमसुम रहली। आखिर कब निकली? कॉफी पिया। ममता एगो बात बताई, कजरी के डांस आवेला कि ना ई तो हमके नहीं पता, बाकी गाना बहुत अच्छा गावेली। ऐसा है? अच्छा ना दीदी, मामा ना ऐसे ही बढ़ा चढ़ा के बोले लन। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एक दिन घर पर तू आई है, हम तोके कजरी के गाना सुनवाई। हाँ जरूर, इतना अच्छा गावेली तो सुने के तो जरूर पड़ी। केकरा से सीख ले हो तू? अपन पापा से। असल में सीखल कहल एकदम सही ना हुई, हमार पापा गावत रहन दिल बहलावे खातिर, त हमहू संगे संगे। का हो तू यहाँ पर? काहे नहीं क्या सकत का छोटे, का सोचा तड़ा? सुना, हम यहाँ पर कौनो बिन बुलावल मेहमान नहीं थे।
ऑफ कोर्स नॉट। ये बिन बुलावल मेहमान कहे होके लागल हम इनवाइट कइले हई। हैं? एकर मतलब है तू दोनों मिलके हमके केहू भी ना बतौलस। मामा रात जादे हो रहल ह, यदि जल्दी ना लौट ली तो। रात रात अभी तब खाली 8 बजल ह। अरे बाबा पटना सिटी में अब ही सांझ है। ना लगता 5 मिनट पहले रात ना रहे। केहू जबरदस्ती आटप कल तक रात हो गई। बाप रे तू इतना मीठा मीठा बात भी कर ले वेला, पहला बार सुन ली। पहला बार बहुत कुछ देखबा तैयार हो जा। अच्छा ऐसा नहीं के लागता कि कजरी अब कुछ टेंस हो रहा लाए, बता सकेला? नहीं टेंस नहीं की, बाकी लागता अभियों गुस्सा में है, है ना? वाह वाह बहुत अच्छा, लड़कियन के समझे में तू हो अपन छोटे के जैसे निबाड़ा हूँ। ये गुस्सा छटपटाहट सब कुछ प्यार के जाहिर करे के तरीका है, समझला? समझला कि ना? आपके मन से कुछ धुंध छठे के समय आ गई है। बनारस से हम आए हैं एगो खास मकसद से। खास मकसद? सब जेकरा के डाइन को की दूर भगा दे बिलन, हम ओकरा के अपन सीना से लगावल चाहत हैं। एकर मतलब? बाबा विश्वनाथ जेकरा के विपदा से भरल भविष्य की ओरी धकेल दिहले बाड़न, उनकरे देखावल रास्ता से हम ओकरा के वापस लावल चाहत हैं। हम ओकरा लौटा लाइब। धुंध तो तनिको ना छटल बल्कि और अंधेरा हो गई। अंधेरा तो केहू के मन पर छाइल रहेला। जे लड़की आज डाइन है ओकरा भी तो। डाइन मतलब केकर बात कर रहा है आप? नियति। नियति हमेशा से ही सब घटना से ऊपर हो खेली। आपके सवाल के जवाब आपके सही समय पर मिल जाए, ओकरा से पहले ना।